Hello, assalamu alaikum dear viewers. Welcome back to my another vlog, where we embark on a remarkable journey to a sacred place known as Bain al-Haramain, situated between the two magnificent shrines of Imam Hussain alayhi salam and Al Abbas alayhi salam. Bain al-Haramain holds immense significance for the devout Azadar worldwide. Every year, on momentous occasions like Ashura and Arbaeen, countless groups of devoted pilgrims gather here to pay homage to the moths and immerse themselves within the profound spirituality that dwells within the hallowed grounds of Karbala. Join me as we delve into this awe-inspiring destination, exploring the rich history, profound rituals, and the unwavering devotion that brings people from all walks of life together at Bain al-Haramain. As you guys can see, I have just reached Bain al-Haramain. यहाँ पे अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं, धूप निकल चुकी है अच्छी खासी और मैं बड़ी अच्छी टाइमिंग पे आज आया हूँ। उसकी वजह यह है कि ये जो रेड कारपेट है आप देख रहे हैं, ये सिर्फ आशूरा के आयामों में बिछाया जाता है और ये आज यहाँ पे 8 मुहर्रम है, तो 8 मुहर्रम के दिन ये फजर की अजान के बाद बिछा लेते हैं ये लोग। ये देख सकते हैं, अभी आज हम लोग में बैन अल-हरमैन थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया कि बैन अल-हरमैन किस जगह को कहते हैं और यहाँ पे क्या होता है। अभी चलेंगे हम, एक्सप्लोर करेंगे बैन अल-हरमैन। दो साइड है बैन अल-हरमैन की, एक ये वाली है और दूसरी ये वाली है। ये सामने सैयद अश्शुहदा अलैहि सलाम का रोज़ा है। अस्सलाम अलैकिया सैयद अश्शुहदा, अस्सलाम अलैकिया अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली बिन अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला सहाब अल हुसैन। ये सामने सैयद अश्शुहदा अलैहि सलाम का रोज़ा है और जिस तरफ जिस साइड में खड़ा हूँ ये गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहि सलाम का रोज़ा है। अभी साइडों से इन्होंने गेट्स बंद कर दिए हैं जहाँ से ज़ायरीन अक्सर आते हैं। अभी मैं भी उस साइड से आ रहा था तो एक साइड बंद थी वहाँ से, उसकी वजह यह है कि ये लोग अभी इन्होंने कम्प्लीटली कारपेट बैन अल-हरमैन पे तो बिछा लिया है लेकिन साइड पे अभी बिछा रहे हैं और तैयारियाँ जा रही हैं। ये आशूरा की तैयारी होती है। अभी बीच से लाइन बनाएंगे, ये बीच से लाइन बनाएंगे बिल्कुल, ताकि बीच का रास्ता बनाते हैं ये लोग, काफ़िले के लिए बनाते हैं जो कारवान आ रहे होते हैं आज़ादारी के लिए। ये सारा भी मिडिल से उसके लिए होगा और साइड में जो जगह छोड़ते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये साइड वाली जगह, यहाँ पे ज़ायरीन के आने जाने के लिए। और रात के टाइम यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ और लोग आराम कर रहे होते हैं यहाँ पर साइड में बैन अल-हरमैन पे। यहाँ पर काफ़ी लोग वही सो रहे होते हैं जिनके पास होटल वगैरह नहीं होते रहने के लिए, या ईरान से आ रहे होते हैं बाय रोड या पाकिस्तान से आ रहे होते हैं बाय रोड, तो यहाँ पे वो लोग मतलब बैन अल-हरमैन में आराम करते हैं। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ शेल्टर के नीचे जो लोग फैमिलीज़ होते हैं। अभी वैसे यहाँ पे फैमिलीज़ होती है लेकिन कारपेट बिछाने के लिए उनको उठाया गया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए साइड से भी इन्होंने बंद कर दिया है ताकि ये कारपेट मुकम्मल तरह से बिछा लें। ये मैं बात कर रहा था जिनकी फैमिलीज़ होती हैं बैन अल-हरमैन पे मतलब आराम पजीर करते हैं और ये आशूरा तक इधर ही रहते हैं। आप देख सकते हैं फैमिलीज वगैरह हैं। अभी फिर भी इस टाइम इतनी गर्मी नहीं है, दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और ये वैसे इस बार मेरा फर्स्ट टाइम इस टाइम आना, मैं ज़्यादातर इस टाइम सो रहा होता हूँ लेकिन रात को मैं आज जल्दी सो गया था। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ा ज़ुकाम और थोड़ी खांसी हो गई थी मुझे, तो उस वजह से मैं जल्दी सो गया। तो मैं थोड़ी बहुत व्लॉग बना के फिर मैं हरम अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम पे जाऊँगा, फिर वहाँ से सैयद अश्शुहदा के रोज़े पर जाऊँगा। तो दो साइड हैं, एक साइड मैंने आपको दिखा दी है, एक साइड उधर चलते हैं। अभी ये मैं आपको दिखा चुका सैयद अश्शुहदा अलैहिस्सलाम का ये वाला रोज़ा है,
खुदा में ये भी आशूरा के दिन दौड़ते हुए जाते हैं। वो अच्छी बात यह है कि इस टाइम रश नहीं है, मुझे रश नहीं मिला। अगर रश होता तो फिर व्लॉग में बड़ा मसला होता, क्योंकि इधर फैमिलीज सॉरी होती हैं और उससे ज़्यादा बहुत रश होता है कि इतना रश होता है आशूरा में। यहाँ पे आशूरा के यहाँ में यहाँ पे व्लॉग बनाना बहुत मतलब मुश्किल होता है बनाना, क्योंकि रश होता है बहुत। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी खाली है इस टाइम पहले। ये जैसे मैं बात कर रहा था कि ये ताकि जो काफ़िले हों इसके दरमियान से आए जाएँ दोनों अरमियान में। कुछ काफ़िले मौला गाजी से इंट्रेंस लेते हैं, कुछ मौला शाम के रोज़े से इंट्रेंस लेते हैं। वो डिपेंड करता है, यहाँ पे रोज़े के अंदर से जाने के लिए टोकन चाहिए होता है। वो हरम वाली देते हैं टोकन, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का भी हरम देता है और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का भी रोज़ा टोकन देता है, जिससे फिर काफ़िले जाते हैं। चले मैं आपको ये साइड भी दिखा देता हूँ, शायद ये बंद हो गई है, शायद उन्होंने कारपेट बिछाने के लिए साइडें बंद कर दी हैं, आना जाना भी बंद कर दिया है। मैं कोशिश करता हूँ आगे से दिखाता हूँ। पूरा की तैयारियां बहुत तेज़ी से जा रही हैं। 8 मुहर्रम अल-हराम है आज, इधर 8 मुहर्रम की सुबह है और ये कारपेट आपको 8 मुहर्रम से पहले नज़र नहीं आएगा। ये जो आप बैन अल-हरमैन में देख रहे हैं ना, ये भी मैं जिसे आपको बता रहा हूँ 8 मुहर्रम की फजर की अजान के बाद ये लोग मतलब कारपेट बिछाते हैं, रेड कारपेट। और दूसरा ये था, मुझे पता नहीं है कि मेरा जाना अभी सही रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे नहीं तो ये भी साइड बंद कर दें। लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए लोग सो रहे हैं, ईरानी फैमिली ज़्यादातर इधर ईरानी लोग होते हैं। ये बैन अल-हरमैन के साइड में ही होता है। ये सारी आप देख सकते हैं सारी फैमिलीज होती हैं जिनके पास होटल वगैरह नहीं होते हैं। और ये एंड तक जाता है और उस साइड से शुरू होता है। तो ये सारी फैमिलीज जिनके पास होटल नहीं होते रहने के लिए यहीं पे आराम पजीर होते हैं और ये आशूरा के दिनों तक यहीं पे रहते हैं और इनका खाने पीने का मौला खुद करता है। ये लाइनों में खड़े रहते हैं और नगर न्यास लेते हैं, क्यू में घंटों की क्यू होती है। कभी मैं आपको उसके बारे में भी दिखा दूँगा ब्लॉग करके कि न्याज के लिए मौला के तबरुक के लिए कितनी लंबी लाइन होती है। अभी नाश्ता भी शायद इनको हरम वाले ही करवाते हैं, इनका जो भी होता है भाई सैयदुश्शुहदा खुद ही कर रहे होते हैं इनका, क्योंकि इंसानों के बस में तो है नहीं कि इतने लोगों का खाना कोई खुद मतलब अरेंज कर ले। अभी जैसे मैंने आपको उस साइड दिखाया उस साइड भी ऐसी ही फैमिलीज स्टे कर रही होती हैं। ये देखें इसलिए मैंने कहा कि आज बैन अल-हरमैन की वीडियो में बना देता हूं, ताकि जो लोग नहीं आए जो आ चुके हैं करबला उनको तो अच्छी खासी मालूम आते बैन अल-हरमैन में, क्योंकि इधर रज़ादारी भी होती है और गिरिया उजारी भी होती है। इधर एक मेंबर भी है यहाँ से, काफ़ी पाकिस्तानी नवाखान भी पढ़ते हैं। पाकिस्तानी नवाखानों को बहुत ही मतलब वहाँ पे कम परमिशन मिलती है, लेकिन मीर हसन मीर साहब के अलावा मैंने उधर इस मेंबर पे किसी को नहीं सुना। इस मेंबर का कोई नाम भी था लेकिन नाम मुझे याद नहीं है, अरबी में कोई नाम था। ये मेंबर है, यहाँ पे मजलिस होती है। इस टाइम नहीं हो रही क्योंकि मैं सुबह के से बहुत सवेरे आया हूँ, 7:30 हो रहे हैं, अभी 8 बजने वाले हैं और इसकी वजह से रश भी कम है। ज़्यादातर लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करने गए हुए होंगे, एक यासीन सो रहे हैं या कुछ जो भी है मालूम नहीं। और ये अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। अस्सलाम अलैकुम या खमर बनी वाशी या अबुल फजल अब्बास सरकार नगर अंदर सैन।
वीडियो को बस यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। मुझे बस आप लोगों को यही दिखाना था बेन और हरमेन। मैंने इंग्लिश में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया है कि बेन और हरमेन है क्या बेसिकली और यहाँ पे क्या होता है, और मैंने आपको फिजिकली खुद आके दिखा दिया। मैं इसके एरियल शॉर्ट्स वगैरह भी रख सकता हूँ, लेकिन व्लॉग में मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपना कंटेंट यूज़ करूँ। और जैसे स्पेसिफिकली मैं कोई वीडियोस बनाता हूँ, जैसे मौला अब्बास अली साहब पर बनाई या शहजादा अली अकबर पे बनाई, तो उसमें मैं सिर्फ अपनी वॉइस ओवर्स ही करता हूँ, दूसरे मतलब मैं कंटेंट जमा करता हूँ। इमाम हुसैन साहब की श्राइन का जो वेबसाइट है, इमाम हुसैन ORG ऑर्गेनाइजेशन, यूट्यूब पे उनका चैनल है, वहाँ से आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं। तो वीडियो के यहाँ पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मैं अभी जाऊँगा हरम अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम पर, फिर सईद शुदा के रोज़े पर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। अस्सलामुअलैकुम या अली इस्लाम मदद लबैक या हुसैन।